हेलो गाइस, वक्त 12 पर। तो आज के हम जानने वाले हैं कुछ TDS के बारे में, यानी कि wazirex.com की जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी तरफ से कुछ TDS को लेकर के कुछ न्यूज़ निकल के आई हैं, वो सारे हम लोग जानने वाले हैं। लोगों के बहुत से क्वेश्चंस हो रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि क्या 5% TDS लगेगा, क्या हमारा यहाँ पे 5% TDS लगने वाला है। वो पूरी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि कितना TDS लगेगा, कितना नहीं लगेगा और 5% लगेगा क्यों लगेगा, पूरी डिटेल वीडियो में क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को थोड़ा सा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए और जानते हैं इसके बारे में, यानी कि wazirex की तरफ से जो आपकी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई है उसके बारे में। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी कुछ समरी है यहाँ पे wazirex.com की तरफ से निकल के आई है, वो भी मैं आपको पूरा बता देती हूँ इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे क्रिप्टो INR, यानी कि मैं आपको यहाँ पे पूरा बताती हूँ कि क्रिप्टो INR से कितना डिडक्शन होगा आपका TDS का, क्रिप्टो टू क्रिप्टो करते तब कितना होगा और जब आप पीयर टू पीयर यानी कि P2P करते हैं तब आपको यहाँ पे कितना यहाँ पे TDS आपका यहाँ पे कटने वाला है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिप्टो टू INR, यानी कि आप अपने INR से अगर आपके पास 1000 रुपये, अपने 1000 रुपये अपने USDT में आप लगा रहे हैं, तो अगर आप वैसे करते हैं एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया, यानी कि अगर आप INR से अगर आप क्रिप्टो बाय करते हैं तब आपका यहाँ पे TDS नहीं कटेगा, यानी कि उस पर आपका TDS रेट के बारे में पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग थर्ड वाला लाइन में जाएंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप INR से क्रिप्टो बाय करते हैं तो आपको यहाँ पर नहीं कटने वाला है, और वही अगर आप अपना USDT को, यानी कि आपके पास 50 USDT है, आप उसको INR में बेच के, यानी कि आप उसको बेच के अपना INR में पैसा निकालना चाहते हो, तो अगर आप वैसे करते हो तब आपको सेलिंग करने पे आपको यहाँ पे 1% का TDS कटने वाला है। तो अब हम लोग सेकंड बात करते हैं, मेरे को पता आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे TDS कटेगा। यहाँ पे मैं सेकंड पे आती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप क्रिप्टो से क्रिप्टो, यानी कि अगर आपके पास USDT है, 100 USDT अगर आपके पास है, उससे आपको बिटकॉइन खरीदना है, यानी कि उससे आपको USDT से बिटकॉइन खरीदना है, तब आपका यहाँ पर जो है 1% का TDS यहाँ पर कटेगा। और जब आप सेल करेंगे, यानी कि बिटकॉइन को जब आप सेल करके अपना USDT में लाएंगे चाहे किसी भी चीज़ में लाएंगे, तब भी आपका यहाँ पर 1% का TDS कटने वाला है। और अगर मैं तो P2P के बारे में, यानी कि P2P आप करते हैं अपने INR को, आप अपने जैसे कि आप अपने INR से आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, तब आपके यहाँ पे जो है TDS नहीं कटने वाला है। और जब आप यहाँ पे अपना P2P को जो है आप यहाँ पे सेल करेंगे, यानी कि आपने जितना भी बिटकॉइन खरीदा था वो आप यहाँ पे सेल करना चाहते हैं और अपना INR में पैसा निकाल के अपने अकाउंट में रख लेना चाहते हैं, तब जो है आपका यहाँ पे सेल हो जाए या सेल करने पे आपका यहाँ पे कितना कटने वाला है, तो 1% के करीब में आपको यहाँ पर TDS कटने वाला है। तो वो सारी बातें मेरे को तो पता होगा, आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि कहाँ पर आपका 1% कटेगा और कहाँ पर नहीं कटेगा, यानी कि बस आपकी यहाँ पे P2P बाइंग पे नहीं कटेगी और यहाँ पे आपके INR बाइंग पे जो है आपका यहाँ पे पैसा नहीं कटने वाला है। और क्रिप्टो टू क्रिप्टो अगर आप बाय करते हैं तो दोनों जगह से आपको बाइंग और प्लस सेलिंग दोनों पे आपका यहाँ पे TDS कटने वाला है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे थर्ड बात की बात करूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं TDS रेट इफ़ ITR नॉट फिल्ड इन अ लास्ट 2 आवर्स, यानी कि अगर आपका जो ITR है वो आपने पिछले 2 साल में नहीं भरा हुआ है, यानी कि नहीं भरा हुआ है, तब जो है आपको यहाँ पर TDS रेट 5% का कटने वाला है। तो जिन लोगों ने नहीं भरा है उन लोगों को मैं आपको बता दूं, उनका 5% यहाँ पर TDS कटने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का लिए हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिप्टो INR, यानी कि आप जब बाइंग करेंगे तब तो नहीं कटेगा, लेकिन जब आप सेलिंग करेंगे INR से, जैसे मैंने आपको बताया अभी INR से आप जब आप अपनी सेलिंग करेंगे तब जो है आपका यहाँ पे, जैसे कि आपने INR से बाई किया था और आप क्रिप्टो कब अपने INR में सेल कर रहे हैं, तब आपके यहाँ पर 5% का TDS डिडक्शन होगा। फिर अगर मैं बात करूँ तो आपको जब आप क्रिप्टो से बाइंग करते हैं, क्रिप्टो से ही सेलिंग भी करते हैं, तब आपका यहाँ पर 5% दोनों में कटेगा, यानी कि। और अगर मैं P2P की बात करूँ तो P2P से जब आप बाय करेंगे, यानी कि INR से जब आपने क्रिप्टो में पैसा लाते हैं P2P के जरिए, तब जो है आपका यहाँ पे बाइंग पे पैसा नहीं कटने वाला, यानी कि बाइंग पे आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। अगर वो सेलिंग की बात करूँ तो P2P से जब आप सेलिंग करते हैं तब जो है आपका यहाँ पे 5% का जो है यहाँ पे सेलिंग पे आपका TDS कटने वाला है। तो ये बात हुई कि जब आपने अपना ITR नहीं फिल किया पिछले 2 साल की, तब की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ।
एज यू कैन सी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1% TDS विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिसीवेबल आइनर और क्रिप्टो अमाउंट. हाउ एवर एज पर सेक्शन 206A(b) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इफ द यूजर हैज़ नॉट फिल्ड देयर इनकम टैक्स रिटर्न इन द लास्ट 2 hours एंड द TDS ऑफ 50,000 और मच इन ईच ऑफ दिस 2 previous years, देन द TDS विल बी डिडक्टेड ऑफ ऑल क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजेक्शन विल बी एट 5% फॉर सिंप्लिसिटी इन द टेस्ट ऑफ दिस ब्लॉग वी विल यूज 1% एट द रेट ऑफ TDS. तो अब देख सकते हैं उन्होंने सीधा सीधा बताया एक सेक्शन के जरिए आपका क्रिप्टो टैक्स जो है यहाँ पे अगर आपने पिछले 2 साल से नहीं भरा हुआ है तो आपका यहाँ पे सॉरी क्रिप्टो टैक्स नहीं आपका यहाँ पे ITR आपने अगर नहीं भरा हुआ है तो वो आपका यहाँ पे डिडक्शन होगा, यानी कि 5% का आपको यहाँ पे TDS कटने वाला है. और अगर मैं बता दूँ जैसे कि 2020 और 2021 से अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं और आपने 2022 में आके छोड़ दिया तब का यहाँ पे इन्होंने अभी पूरा अच्छे से क्लियर नहीं किया है कि तब आपका TDS कटेगा या फिर नहीं कटेगा. और आपको ये तो पक्का ही है कि 30% टैक्स और आपका यहाँ पे 1% TDS कटने ही वाला है. और यहाँ पे मैंने 5% के रिलेटेड भी कुछ बता दिया. अभी पूरी क्लियर नहीं इन्होंने किया है कि 5% कब कटना चालू होगा ये सब नहीं पता है, लेकिन 1% वाला पूरा क्लियर है कि 1% वाला होगा ही होगा. तो अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जो मेरा TDS है वो मेरा कटेगा कैसे, यानी कि यहाँ पे अगर मैं इस यहाँ पे ये लोग TDS को काटेंगे कैसे, मेरे को खुद से पे करना है कैसे करना होगा. तो आपको कोई चिंता की बात करनी नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका जो है यहाँ पे TDS का डिडक्शन कर लेंगे ये लोग, यानी जिस भी एक्सचेंज से आप यूज़ करते हैं वो सारे एक्सचेंज से आपका ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाएगा. आपको इसकी कोई भी चिंता करने की बात नहीं है. तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा. आगे बहुत ही चीज़ें अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है, जैसे ही क्लियर हो जाएगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसी चैनल पर न्यूज़ के जरिए मिल जाएगी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ. तो मेरे चैनल को बस आप सब्सक्राइब करके रख लो जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए. तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.